वैश्विक महामारी कोरोना की लंबी पाबंदियों के बाद इस नवरात्र पर सभी प्रकार की पाबंदी हट गई हैं। इस बार रिकॉर्ड भीड़ आने की संभावना को लेकर शासन प्रशासन के साथ मां बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इस तैयारी को लेकर डूंगरगढ़ मंदिर परिसर में कलेक्टर सहित जिले के सभी अधिकारी और विभागों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, ट्रस्टी और पत्रकार भी शामिल हुए। आपको बता दें कि 3 साल बाद 26 सितम्बर से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व पर माँ बम्लेश्वरी मंदिर में लगने वाले मेले में इस बार किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी। कोरोना के चलते पिछले नवरात्र पर्व पर पाबंदियों के साथ पर्व मनाया गया था, जिसके चलते भीड़ भी कम थी और व्यापार भी प्रभावित हुआ था। इस नवरात्र पर्व पर रिकॉर्ड भीड़ आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन तैयारी में जुटा है। माँ बम्लेश्वरी मंदिर गर्भगृह में ऑटोमेटिक गणना मशीन लगाई गई है, जिससे आने वाले दर्शनार्थियों की गणना की जा सके। प्रशासन ने 15 दिन पहले तैयारी की जा रही है। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए सभी विभाग कार्य में जुटे हुए हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिए मेले परिसर में 1100 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मेला परिसर में पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है। पदयात्री मार्ग और नेशनल हाईवे में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी रहेगी। महाराष्ट्र से आने वाले दर्शनार्थियों की सेवा के लिए सेवा पंडाल लगाए जाएंगे। डोंगरगढ़ से अमित पांडे की रिपोर्ट। आने वाला नवरात्र बहुत उत्साह और उमंग के साथ, भारी भीड़ के साथ होने वाला है। पिछले 2 सालों से चूंकि कोरोना का प्रभाव था और काफी बंदी से होने के कारण दर्शनार्थी यहां दर्शन को नहीं आ पाए। डोंगरगढ़ जो नवरात्रि मेला में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था लगाई जाएगी। सुरक्षा को पूरा 4 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें ऊपर मंदिर की व्यवस्था, नीचे मंदिर की व्यवस्था और जितने भी हमारे पार्किंग पॉइंट है और हमारा रूट पॉइंट है, ऐसे करके हम 4 अलग अलग सेक्टरों में पूरा सुरक्षा व्यवस्था को विभाजित किया हुआ है। डोंगरगढ़ में नवरात्रि के समय जो मेला और यहाँ दर्शन के लिए जो लोग आते हैं, तो सभी व्यवस्थाओं को लेकर आज मंदिर परिसर में बैठक आयोजित किया गया है। इसमें एसपी साहब और ट्रस्ट के अध्यक्ष, सभी गणमान्य नागरिक और प्रेस के लोग भी उपस्थित थे, हमारे अधिकारी भी थे। और जो हर वर्ष जो व्यवस्था रहती है उसको और कैसे हम अच्छा कर सकें, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो,